लेता हूँ। देखिए जो वेरिएबल्स है एक्सेल के अंदर में, जो वेरिएबल्स है उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। क्या करता है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है हम डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो वेरिएबल्स का एक अपना यूज है, एक अपनी स्पेसिफिकेशंस है और काफी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है वेरिएबल्स हमारा, क्योंकि वेरिएबल्स के बगैर हम बहुत सारी चीजों पे काम नहीं कर सकते। तो वेरिएबल्स क्या है? तो जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे माइक्रोज में या फिर बहुत सारे गूगल वगैरह पे आपने सर्च किया होगा, देखा होगा कि हम यहाँ पे डिम आर एज ए इंटीजर इस तरह से कुछ डिफाइन करते हैं। इसी को डेटा टाइप कहा जाता है, इसी को वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन आखिर वेरिएबल है क्या? चलिए इसी चीज पे हम बात करते हैं आपके साथ। जैसे कि एक टेम्परली सेविंग लोकेशन चाहिए होती है, कि अगर एक टेम्परली सेविंग लोकेशन नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको एक्सेल में अगर कोई चीज को अगर मान लीजिए ये करना है, शेयर करना है, मान लीजिए मुझे 2 + 20 + 30 है, इसी को ऐड करना है। अब 20 + 30 का जो रिजल्ट है 50, वो कहाँ स्टोर होगा? तो इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक था है कि मैं एक्सेल का सेल इस्तेमाल करूँ, जैसे कि a1.value=20 + 30। तो रिजल्ट हमारे A1 पे जब देखेंगे कि होल्ड हो जाएगा। प्रॉब्लम है कि मुझे A1 को ब्लॉक रखना पड़ेगा ना, A1 को तो मुझे ब्लॉक रखना पड़ेगा। तो A1 को अगर हम ब्लॉक रखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस सेल पे कोई और वैल्यू हुई तो दिक्कत होगी, ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें ले लिया डी। अब जो 50 है वो डी पे स्टोर हो गया, कल के डेट में अगर मुझे उस डी को यूज करना है तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। जैसे मैसेज बॉक्स में यूज किया, आप देखेंगे यहाँ पे 50 आपको आएगा। तो वेरिएबल्स का यूज होता है टेम्परली सेविंग लोकेशन, मतलब कि आप अपने मैक्रो के अंदर, बीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर जो फीचर्स है उसको टेम्परली कहीं पे होल्ड कर सकते हैं। टेम्परली से बोल रहा हूँ क्योंकि तो जैसे ही मैक्रो खत्म होगा वो लोकेशन हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो टेम्परली सेविंग लोकेशन के नाम के साथ इसका यूज हम करते हैं। सुजीत जी, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। अभी जैसे आपने वो सेल का रेंज डाला था a1.value=20 + 30, तो वहां पे 50 आ गया। बट जैसे आपने डी को लिखा है तो डी भी क्या सम का ही काम करेगा, और दूसरा ये मैसेज बॉक्स डी, ये नहीं, मैं क्या बता बता रहा हूँ, मैं बता रहा रहे हैं? हाँ जी, हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए हाँ क्या जी, हाँ जी, था कि हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन किया, उसका रिजल्ट को कहीं होल्ड करने का जगह चाहिए। हाँ तो मेरे जी, पास दो रास्ते थे, एक एक्सेल सीट पे मैं इसको स्टोर करवा दूंगा। हाँ देखिए एक्सेल सीट पे स्टोर करवाने की करवाएंगे दिक्कत हुआ, मान लीजिए पे डेटा हुआ तो डिलीट हो सकता है ना। जी, तो मैंने उसको एक बीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर ही, मतलब कि ये बाहर सीट पे कहीं नहीं जा रहा है, इसके अंदर ही वो 50 को होल्ड कर दे रहा है, और मुझे नीचे किसी कोड में जो चाहिए, मैसेज बॉक्स में चाहिए, तो D50 को सप्लाई भी कर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैथमेटिक्स में आप x=100 कर देते थे, कि सपोज x=100, और जहां जहां 100 की जरूरत पड़ती थी वहां वहां आप x ले लेते थे। उसी तरह से मैंने यहाँ बोला कि D=20 + 30, मतलब कि 20 + 30 की रिजल्ट मान लीजिए D है, और जहां भी मुझे 20 + 30 की रिजल्ट की जरूरत चाहिए वहां हम D का यूज कर लेंगे, समझे? ठीक है। तो मतलब अगर डी की जगह कुछ भी मुझे चाहिए कहीं पे भी, तो मैं मैसेज बॉक्स स्पेस डाल के वो अल्फाबेट एक नेम लिख हुआ, इसके जगह पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है? जरूरी कि D, लूंगी। DFGHYJKLL में कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें हम सिर्फ अल्फाबेट्स और सिर्फ नेम ही लिख सकते हैं ना? ठीक जी। है। तो वेरिएबल्स का काम होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना। अब इसकी जरूरत के ऊपर थी, चलिए हम आपको बताते हैं। सो फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या है कि मुझे MRP निकालनी है। मैं मान लीजिए मुझे यहाँ पे कॉस्ट है हमारा
₹50 है, मुझे इसकी एम आर पी शो करनी है कि इसकी एम आर पी क्या होनी चाहिए। तो जनरली एम आर पी जो है वो है हमारा यहाँ पे, मैं एम आर पी का बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया कृत्रिम सी एज ए लॉन्ग, लॉन्ग नहीं माफ कीजिएगा, अभी यहाँ पे डबल लेता हूँ। अभी क्यों ले रहा हूँ मैं अभी समझाऊंगा आप। और C इक्वल टू रेंज बी टू डॉट वैल, और यहां लिखते हैं C इक्वल टू C प्लस C का 5%। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10%, यहाँ हो जाएगा हमारा 15%, यहाँ हमारा हो जाएगा 20%। और फिर यहाँ हम रेंज B3 डॉट वैल्यू इक्वल टू C। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया सर। अभी क्या कर रहा है, इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। रीमा जी ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमने एफेक्ट से करता हूँ, एफेक्ट कर रहा इसे डिफाइन किया। अब जो सी के ऊपर जीरो है, मतलब कि सी के ऊपर 50 स्टोर हो गया 50 स्टोर। अब इसने क्या किया, सी इक्वल टू सी के साथ सी इक्वल टू सी प्लस जो 50 प्लस 50 का 5%, ठीक है, निकल के आ गया 52 आ गया। अब यहाँ पे 52 प्लस 52 का 10% आ गया 57। हाँ जी 57 प्लस 57 का 15% 66 प्लस 66 का 20%, और यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने 79 आया। क्लियर है? हाँ जी। अब इसी चीज को हम वेरिएबल इस्तेमाल ना करते तो क्या करना पड़ता, कि मुझे उतने ही रेंज यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ते, और फिर कैलकुलेशन कितना लंबा हो जाता। हाँ जी समझे। चलिए एक और एग्जांपल हम बताते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम। प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, रेट हमारा मान लीजिए 10% ईयरली है, और टाइम 3 सालों का। मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है। अब इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं, सब ठीक है। यहां देते हैं रेंज वेरिएबल, लेते पहले डिम पी कॉमा आर कॉमा टी एज ए डबल। पी इक्वल टू माफ कीजिए, था खांसी हो रहा था। तो P इक्वल टू हमने क्या किया, यहाँ लिखा रेंज B होगा, हाँ B 5 डॉट वैल्यू,
एंड पी इक्वल टू आर, आर इक्वल टू रेंज बी सिक्स, बी सिक्स डॉट वैल्यू एंड टी इक्वल टू रेंज बी सेवन डॉट वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक अमाउंट भी देता हूँ, यहाँ पे कॉमा अमाउंट, यहाँ पे लिख दो अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाई एन बारह, ये सारा एक ब्रैकेट में होगा। और आपने इतना इजीली मैथमेटिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया राइट। और यहाँ पे अगर मैं रेंज बी नाइन डॉट वैल्यू करूं तो इक्वल टू अमाउंट कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब इमेजिन कीजिए कि मैं अगर ये वेरिएबल ना लेता तो मुझे क्या करना पड़ता है कि इसको कॉपी करके मुझे पी की जगह पर रखना पड़ता, फिर आर को कॉपी करता आर की जगह पर रखना पड़ता, फिर टी को कॉपी करता और टी की जगह पर रखना पड़ता, ठीक है मैम। समझे? अभी तो ये छोटा कैलकुलेशन था इसलिए आप चलो आप कर लेंगे, लेकिन जब बड़ा कैलकुलेशन होगा तो जब कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा तो आपको इस तरह के रेंज यूज कर, अब रेंज तो चलो सिंपल है, मान लीजिए किसी वर्कशीट में समझे जी, तो वेरिएबल्स का यूज समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्यों जरूरी है, समझे जी। बात करते हैं कि टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का टाइप क्या क्या है। तो वेरिएबल्स की टाइप की बात करें तो यहां है डिम बी एज ए बाइट, डिम BL as a boolean, dim dim मतलब dimension होता है, I as a integer, dim L as a long, dim D as a double, dim DT as a date, dim T as a string और dim V as a variant, A जो यूज होता है VVN, ठीक है मेरा टाइप। अब जान लेते क्या क्या है। dim B as a byte है, मतलब कि आप B equal to 0 से 255 तक डाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं, डेसिमल में नहीं, टेक्स्ट में डाल सकते। अगर मान लीजिए मैं b इक्वल टू कोई टेक्स्ट डाल दिया तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, ओवरफ्लो, ठीक है, और टाइप मिसमैच का। वैसे बिलियन है तो आप बिलियन के ऊपर जो है टू एन फॉल्स का ही मैसेज डाल सकते। इंटीजर है तो i इक्वल टू माइनस 32,000 समथिंग से प्लस 32,000 समथिंग तो डाल सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एल के ऊपर भी एक अच्छा खासा अमाउंट डाल सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट डेसिमल यहाँ भी नहीं डाल सकते। डेसिमल्स और सबसे बड़ी नंबर के लिए हम डबल यूज करते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर आप डेसिमल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आ जाएगा आपने, हमने यहाँ पे डबल यूज किया क्योंकि लोन कैलकुलेट होता है तो डेसिमल में आता है और यहाँ आर डेसिमल था इसलिए हमने किया। देखा मैंने इकट्ठा यहाँ पे कर दिया,
क्योंकि सेम डेटा टाइप थे इकट्ठा कर दिया, अगर अलग अलग होते हैं तो मुझे अलग अलग करना पड़ता। मान लीजिए कि पी प्रिंसिपल लॉन्ग होता, ए डबल होता, टाइम बाइट होता, अमाउंट डबल होता, हमको अलग अलग करना पड़ता। ठीक है नहीं। और डीटी के ऊपर कोई भी आप डेट अगर डालते हो तो आपको यहाँ पे डेट डाल सकते हो, और टी के जगह पे कोई कुछ भी नॉन कैलकुलेटिव डेटा, मतलब कि स्ट्रिंग नंबर भी डालोगे तो स्ट्रिंग मिलेगा, टेक्स्ट एबीसी कुछ भी डालना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं स्ट्रिंग में, पर वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। ठीक है सर जी, अब जो ब्रिलियंट है, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारा वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है ना। उस केस में हम वी का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएंट का इस्तेमाल करते हैं। अब वेरिएंट के ऊपर जो भी डालेंगे, जो नंबर डाला हमने तो नंबर बन जाएगा, अगर मैं टेक्स्ट डाला तो टेक्स्ट बन जाएगा, अगर हमने यहाँ पे डेट डाला तो डेट बन जाएगा। ठीक है, तो वी के ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो हमारे पास ऑलराउंडर है तो हम इनको क्यों यूज करें? जी जी, आपने इन सब का वो तो बता दिया कि मतलब इससे क्या क्या आएगा, लेकिन कौन सी चीज कब यूज होगा वेरिएबल वो बता दीजिए। क्या बोला आपने? पहले बोला आपने जैसे टाइप तो बता दिया, जैसे टिम भी है, एस बाइट, इससे क्या होगा, मतलब किस लिए यूज कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि अगर आपका इनपुट अगर मान लीजिए 255 से कम है तो बाइट यूज करें। मैं भी बता रहा हूँ, आपको फिर तो कर दीजिए मुझे आप। तो क्या होता है कि हम वेरिएंट, जब आपको समझ में आया तो वेरिएंट लेते, लेकिन वेरिएंट हम ही ले इसकी गारंटी मैं नहीं बोला कि वेरिएंट ही ले, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम होती है। पहली आती है साइज का इशू। देखिए बाइट कम साइज लेता है, 2 byte, आपका बुलेट में 2 byte लेता है, इंटीजर 4 byte लेता है, लॉन्ग डबल टेक 8 byte लेता है, सबसे ज्यादा जो स्पेस कैप्चर करता है वो कैप्चर करता है वेरिएंट 32 bytes। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बाइट ही है ना, मेरे पास तो टीवी में है लोकेशन, तो इसमें ये होता है कि एक जो सब्जेक्ट होता है RR2 है ना, इसकी जो है KV 255 KV जो है यूज करते हैं। एक मैक्रो की जो साइज है मैक्सिमम 255 KV होनी चाहिए। जब आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो लिखते हैं तो उसमें आपको उसका ध्यान रखना होगा। दूसरा आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब हुआ कि अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया कि डिम आर एज ए वेरिएंट और आर इक्वल टू हमने यहाँ पे 25 + 30.63 कर दिया और MSG बॉक्स के अंदर इस आर को लुकअप करवा रहा हूं। देखिए यहाँ पे डेसिमल आ रहा है ना, अब मुझे नहीं मुझे राउंड फिगर में चाहिए तो मुझे इसके लिए यहाँ राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझे, तब जाके आपका ये राउंड में होगा। देखिए राउंड हो गया। देखिए हम वेरिएंट के जगह पे यहाँ अगर मैं लॉन्ग यूज कर लू तो मुझे राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग जो है हमेशा वो डेसिमल्स को एक्सेप्ट नहीं करता, डेसिमल नहीं लेता है, तो हमें इसमें लॉन्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग में राउंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कन्वर्जेंस के लिए यूज करते हैं। समझ गए?
तो वेरिएबल का इस्तेमाल तीन जगहों पे होता है। पहला होता है स्टोरेज, डेटा को टेम्परेली होल्ड करने के लिए। मान लीजिए कि आप इनपुट से मंथ ले रहे हैं, मान लीजिए आपने बोला कि माइक्रो रनिंग करते से मंथ पूछे और उस मंथ को आपने 15 जगह पे दिया है कि इसका अकॉर्डिंग रिजल्ट निकल जाए। तो अब मंथ अगर मान लीजिए वेरिएबल होल्ड ना करेंगे तो आपको 15 बार मंथ एंटर करना पड़ेगा, लेकिन आपने एक वेरिएबल्स के ऊपर मंथ को होल्ड कर दिया तो 15 जगह उसको सप्लाई कर सकते हो, एक इनपुट में 15 आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है आपका इजिली कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो आपको वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना थोड़ा सा इजी होता है रेंज को इस्तेमाल करने से। और चौथा आपका होता है, वो आता है आपका वैलिडेशन। आप अगर वैलिडेट करना चाहते हैं कि भाई लॉन्ग विदाउट लॉन्ग है तो भाई डेसिमल के बगैर ही आए या माइनस में ना आए, तो उन चीजों पर जैसे मान लीजिए आप किसी से नंबर ऑफ मंथ मांग रहे हो तो नंबर ऑफ मंथ आप चाहते हो कि माइनस में ना डाल सके, क्योंकि माइनस में डाल देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर। इंटरेस्ट निकालने और किसी ने टाइम को माइनस में डाल दिया तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो वहां पे हम बाइट चलेंगे कि बाइट माइनस को होल्ड नहीं करता है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको बेटर पढ़ने के लिए, इसको बेटर जानने के लिए मैं आपको एक दूंगा, एक बुक दूंगा सर, एक पीडीएफ बुक है, मैं आपको अभी मेल कर रहा हूं। ये बुक है, ये बुक का पेज नंबर 199 आपको रीड करना है, जिसमें वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, साथ में उससे रिलेटेड एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है ना जी? हाँ जी ठीक है। और आपका तरुण, तरुण जी आपकी ईमेल आईडी यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको भेज दिया। इस पीडीएफ बुक को आप अच्छे से ले और इसके 199 का पेज नंबर 199 का जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। कल हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आज सर खांसी तेज हो रही है तो आज रहने देते हैं, कल मिलते हैं इसी चीज पे, ठीक है? ठीक, ओके, बाय बाय।